आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग मुस्तैदी से तैयारियों में जुट गई है। बीते दिन से वोटर लिस्ट के काम ने भी पूर जोर पकड़ लिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि एमपी के अलग अलग जिलों में खास कैंप लगाए जाएंगे, जिसकी जानकारी एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने दी। राजन की माने तो मतदाताओं के अपडेट के लिए 13 जनवरी और 20 जनवरी को खास कैंप लगाए जाएंगे। दरअसल पूरे राज्य में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम भी तेज हो गया है। राज्य के सभी 64,523 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के फॉर्मेट जारी कर दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर मौजूद रहेंगे। राजन ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए 6 से 22 जनवरी तक कार्य समय रहेगा। इसके अलावा 13 जनवरी और 20 जनवरी को नाम जोड़ने के लिए एक खास कैंप भी लगाया जाएगा। 6 जनवरी से वोटर लिस्ट में लगे BLO अपने अपने मतदान केंद्रों में लोगों के घर घर जाएंगे। राजन ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। युवा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और इस दौरान BLO उनकी मदद करेंगे। 18 साल की आयु पूरा करने के अलावा ऐसे युवा जो 1 अप्रैल 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल के होने जा रहे हैं, वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए BLO को पहले ही दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन करा सकते हैं, जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट 8 फरवरी को जारी की जाएगी। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक इसमें मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे और सुधार किए जाएंगे। स्टेट में जारी हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की माने तो राज्य में समान मतदाताओं की कुल संख्या 5,59,98,370 है, जिनमें से 2,87,90,967 मेल वोटर्स हैं, जबकि फीमेल वोटर्स 2,72,06,136 हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।